हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ठाकुर साहब की जय हो। ये बताओ हमारी हवेली के कर्मचारियों से लेकर जनता तक का क्या समाचार है? समाचार तो सब अच्छे हैं। ये सारी जनता आपकी जय जयकार करती है। ऐसा ही होना चाहिए। अब तो रंजीत भैया शराब पीना छोड़ दिया। शराब पीना छोड़ दिया? रंडियों के कोठे पर जाना छोड़ दिया। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। अबे मतलब ये ऐसे हो गया कि ठाकुरायन भाभी ने सर पे हाथ रखकर कसम रखाया है। तो तुमने भी छोड़ दिया होगा? नहीं, हमारा तो कबो कबो चल जाते। तुम कहाँ से जुड़ोगे हराम जादे? हवेली पे कोई है? कोनी हो? कोनी नहीं तो कटोरी है। हम आदमी हैं। अरे आदमी हो कौन हो? कहाँ से आए हो? हम चंद्रपुर से आए हैं। क्या काम है? ये बताओ ठाकुर साहब हैं हवेली पे? काम बताओ। उनसे बोल दो चंद्रपुर के आपके दोस्त राय बहादुर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। आप वहीं पर हैं, हम ठाकुर साहब से पूछ लेते हैं। ठीक है। लंबरदार ठाकुर? ठाकुर 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 बोल बे। ना भाई तो बोला लंबरदार ठाकुर। ठाकुर वो चंदनपुर के आपके कौन आए हैं? दोस्त होंगे दोस्त। हाँ दोस्त दोस्त। क्या बात है? वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका नाम क्या है? ठाकुर राय बहादुर सिंह। राय बहादुर सिंह? हाँ तेरी को पड़ेगी। राय बहादुर सिंह जाओ उन्हें बाइज्जत बुलाकर मेरे पास लाओ। ओ भैया जाओ ठाकुर साहब से कह दो भाई इज्जत चले हमें। ठीक इज्जत हुआ तो। जय गोपाल मेरे दोस्त। जय गोपालिया मेरे दोस्त। और बोलो मेरे यार बहुत दिनों बाद आज हमारी हवेली पे आए हो। हाँ मेरे दोस्त बरसों हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। हमने सोचा आप कभी हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे। क्या करें यार जिम्मेदारी। खुद ही चले आए हैं आपके पास। और लंबरदार आपके यहाँ सब बढ़िया है? बढ़िया होगा। हाँ भाई बढ़िया है बढ़िया है। क्या बताएं यार इतनी रियासत बढ़ चुकी है कि हमें वक्त नहीं मिलता। मेरे दोस्त हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। अरे यार दोस्त दोस्त कोई फरियाद करता है? हुकुम सुनाओ ऐसा कौन सा काम है? सुनो मेरे दोस्त। के सुनो दोस्त अरे बलवंत सिंह करनी बात बलवंत सिंह ये करनी बातें खास और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरी होगी आस। तमन्ना लेकर आए हैं मेरा दोस्त मेरी फरियाद जरूर सुनेगा। जरूर सुनेगा मेरे यार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और राय बहादुर बोलिए कैसे आए पास।
बहादुर बोलिए कैसे आए पास जो तेरी तकलीफ हो कहिए जो हमारी हवेली पर आए हो और फरियाद के नाम से पुकार कर रहे हो। मेरे दोस्त, हम अपने दिल में सोचते हैं कहीं आप मेरी बात को सुनकर बुरा ना आपको लग जाए। नहीं मेरे यार, हम तुम एक लंगुटिया यार हैं, बचपन में साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे, और आज तुम्हारी बात हमें कैसे लग जाएगी? बोलो ऐसी कौन सी फरियाद लेके आए हो? तो सुनो मेरे दोस्त। बोलो मेरे यार। हो गई है सयानी हमारी सुता। हाँ हाँ बोलिए। और मुझसे संबंध अपना रचा लीजिए। और हो गई है सयानी हमारी सुता। हो गई है सयानी हमारी सुता अपने बेटे से संबंध कर लीजिए। हो गई है सयानी हमारी सुता। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं मेरे दोस्त हम आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए। ठीक है मेरे यार, मेरी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए और दिल दिमाग हमारी बात के ऊपर लगाकर सोचिएगा। बोलो मेरे दोस्त। तो है सियाद जितनी मेरी और तुम्हारी नहीं, है सियाद जितनी और मेरी। मेरी मांगे नहीं पूरी कर पाओगे, इसलिए बात करनी आशा का फायदा शादी बेटे के संगना ये कर पाओगे। कैसी बातें करते हैं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, हम अपने दिल में बहुत बड़ी तमन्ना लेकर आए थे हमारा दोस्त हमसे संबंध अवश्य करेगा। क्यों नहीं करेगा मेरे यार? आज एक दोस्त होकर एक दोस्त से लेन देन की बात करने लगा। मेरे यार, ये तो एक शादी और ब्याह का मतलब है, और हमको क्या मिलेगा? जो दोगे अपनी बेटी के लिए दोगे, अपने दामाद के लिए दोगे, हमें क्या मिलेगा इसमें? ठीक है मेरे दोस्त, मेरी एक बात सुनो। बोलो। मांग क्या है बता दीजिए। मांग करने को दिल ने ना घबराइए, बेटी इकलौती मेरी मेरे दोस्त मन, दहेज देने में रखूं कसर ही नहीं। हमारी एक लौती संतान है और हम अपनी बेटी की खुशी के लिए राज तक और यहाँ तक कि अपने को भी कुर्बान कर सकता हूँ अपनी इकलौती संतान के लिए। ठीक है मेरे यार, अगर नहीं मानते हो तो मेरी बात गौर से सुनो, कान के पर्दे खोल लो, दिमाग का संतुलन सही स्थान पर ले आओ और मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। सुनो भाई
मुझको 10 लाख रुपया नगद चाहिए, साथ में कार टीवी फ्रिज भी रहे, और इतना होने पे रिश्ता ये तय जानिए। मेरे दोस्त 10 लाख रुपया तो बहुत होता है। अरे यार तुम सोच नहीं रहे हो, हमने पहले भी कहा और फिर भी कह रहे हैं कि उसमें हमें क्या मिलेगा, तुम दोगे अपनी बेटी के लिए दोगे, अपने दामाद के लिए दोगे, हमारा तो समाज में सिर्फ नाम होगा। मेरे दोस्त हो सके तो कुछ कम कर दीजिए। अरे इकलौती संतान तुम्हारी और कोई लड़की तो है नहीं, ना कोई औलाद है, और हमारा बैठना उठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, MP MLA DM SP ये सब लोग बारात में जाएंगे तो हमसे पूछेंगे अरे लंबादार बलवंत सिंह तुम्हारे बेटे की दहेज में क्या मिला, तो उन्हें हम क्या बताएंगे, उन्हें हम क्या दिखाएंगे, इसलिए हम मांग रहे वरना हम ना मांगते। आप समझते नहीं, हमारे जमींदार का बैठना उठना जैसे MP पहले MP MLA DM SDM यहाँ तक नहीं, हमारे जमींदार का बैठना उठना बाबा राम रहीम तक। हम आपकी बड़ाई कर रहे हैं, मेरी पिलाई कर रहे हैं, कर रहा है हमारी बुराई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हो। मेरे दोस्त बोलो मेरे यार, मेरी हैसियत को जरा देखिए। तुम्हारी हैसियत में क्या है? आपकी बराबरी नहीं करते। अरे ठाकुर साहब ना इतनी रकम मांगिए, जरा तुम मेरी देखिए। मेरे दोस्त हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, हो सके तो कुछ कम कर दीजिए। अरे यार मैंने तुमसे पहले कह दिया मेरे यार, मेरे उठने बैठने वाली बात फंस जाएगी, सब लोग जाएंगे बड़े बड़े लोग तो उन्हें हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, हमारी इकलौती संतान है, दहेज में क्या आपने मांगा, 10 लाख रुपया नगद, हाँ टीवी कार फ्रिज कूलर वगैरह 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 पीते हैं, आगे जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है मेरे दोस्त, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि एक दोस्त होकर दोस्त से दहेज मांग रहा है। यार हम दहेज थोड़ी मांग रहे हैं, ये दुनिया का चाल चलन है, रीति रिवाज है, अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में लोग हमें एकदम फकीर गरीब कहेंगे, जो हम जमींदारी करते हैं ना हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई पंडित बुला लो और शादी की मुहूर्त घड़ी निकलवा लो, फायदाबादी अपना काम। ये बताओ हमारा किस तारीख को अपॉइंटमेंट, नहीं देखिए मीटिंग नहीं है। लंबादार हाँ 5 तारीख खाली है। अच्छा हम तो कहे 5 का बारात ले चला जाए, 4 का वापसी हो जाए। साले हराम खोर, पहले 4 आती की 5 आती, गिनती गिन पहले 1 2 3 4। हाँ मुला नहीं त्योहारी आएंगे साले, 5 तारीख को बारात लाएंगे और 6 तारीख को सुबह विदाई कर देंगे। 6 तारीख का विदाई निकाल दो, निकाल दे कर देंगे बे। अरे वहाँ गाड़ी वाड़ी निकाली है, विदाई समझो। मेरे यार हम 5 तारीख की शाम को बारात लेके आ जाएंगे आपके घर पर, और सुबह 6 तारीख को। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे यार एक बात कहना भूल गए थे, हमारे साथ MP MLA DM SP सब लोग आएंगे तो जरा खाने पीने की व्यवस्था जरा अच्छे ढंग से कर देना। हाँ लंबादार, देखो ये जमींदारों की बारात है, बड़े बड़े लोग आएंगे और बड़े बड़े लोग मतलब खा पिए की व्यवस्था, बाराती खाली खाने खाए जाते हैं, तो कुछ लोग शाकाहारी आएंगे और कुछ लोग मांसाहारी आएंगे, तो ज्यादा सस्ता मध्यम कुंटल खान पचौनी की व्यवस्था। पचौनी क्या साले, कोई पैसे मारे क्या साले, बोल रहा। अरे मांसाहारी कहाँ खाएंगे,
अरे बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, और साला ये बोला साला। अरे हम कहते हैं सस्ते मध्यम निपट जाए। ऐसा करे तुम करे ना कुछ, सीधा कर लिया बफर सिस्टम। अच्छा अच्छा, बहुत ही मने बफर खा ले हैं और बहुत ही मने सिस्टम खा ले हैं। सिस्टम सिस्टम में क्या? अरे बफर सिस्टम नहीं देखो। अरे बफर का मतलब होगा जैसे पूरी कचौरी, छोला पनीर, मिठाई, और सिस्टम में जैसे मुर्गा है, बकरा है, मछरी है। अच्छा अच्छा, वह तो कहते बहुत मने बफर खा ले हैं, बहुत मने सिस्टम खा ले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग जैसा चाहें हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे। और अब हमें जाने की आज्ञा। नहीं मेरे यार, मेरे मकान पे आओ, हवेली पे आओ। यार तुम बड़ा गलत काम कर रहे हो। हमारा दोस्त इतनी दूर से चल के आया है, उसे खाने पीने की चाय पानी की व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं किया। लंबरदार, शक्कर पूरी सब्जी चाहिए तीनों खा लियो, दाल भात रोटी चाहिए तीनों खा लियो। अबे हम नाश्ते की बात कर रहे हैं। अच्छा नाश्ता, हम तो कहे लड्डू पेड़ा बर्फी चाहिए तीनों खा लियो। अच्छा तीन ही आइटम है? हाँ, तीन है तीन। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, अब हमें नाश्ता पानी कराने की कोई जरूरत नहीं। अरे लंबादार कुत्ता खाए लियो। बे सोले कुत्तों ने तो बिल्ली खाएंगे। हम गए उतनी दूरी थे, कुत्ता खाए लियो। कुछ तो सोले फिर कुछ क्या बोल रहा है? वही बात, कुछ तो कुछ तो। मेरे दोस्त हमारा आपका संबंध हो गया, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और हम जिनके यहाँ संबंध करते हैं उनके यहाँ का पानी तक नहीं। हाँ ठीक है भाई, पुराना रीति रिवाज है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। और उससे जमाना बदल चुका है, अब तो लोग सब चाय नाश्ता वगैरह सब कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमें जाने की आज्ञा दे। ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम टाइम्स बराल लेके आ जाएंगे। भैया, ओ भैया, तुम हो बराती आए हो? हाँ उबा यार। ओ भैया हो आए? हमार व्यवस्था अपने घर में रखे हो। अरे तुम्हार व्यवस्था बहुत भरपूर है। हाँ ठीक है, जाओ उबा। ठाकुर साहब राम राम। जाओ घर तीन दिन बता दियो जाए। संबादार यार, पैसा कम तो नहीं मांगा? दहे तो बहुत मांगे हो। कम तो नहीं था? अरे टीवी, कार, कूलर, पंखा, फ्रिज, लेकिन थोड़ा कमी कर दियो। कमी? और कौन सी कमी रह गई बताओ जरा। अरे आप मरह लगे हो तो क्या बताओ। नहीं इसको देख रहे सही है कि नहीं, वो कमी कौन सी रह गई? पहला उका रख दियो। अच्छा लो रख दिया। हम कहे थे यह बात कि जैसे कार, फ्रिज, कूलर, पंखा, घोड़ा, हाँ हाँ है? हाँ, बड़े बड़े सामान मांगे हो। क्यों नहीं? एक कौनो ऐसा वैसा जानवर मांग ले तू। जैसे? जैसे जो नौनो बच्चा भी आते हैं। कोई सोर मांगे साले। अरे हमका का करें हम। और एक बात है। आलम बता। तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे और। दो काम? हाँ। वो कौन? जो शादी बारात में बाजा बजता क्या करते? अच्छा वो अंड बंड। अंड बंड नहीं, ब्रास बैंड पे। हाँ जो लटका के बजावत है। हाँ ब्रास बैंड उसे कर लेना। और जो वो दगता आवाज करता है गोला वोला उसे क्या कहते हैं? ओ मनिहार। हाँ उसे भी कर लेना। हाँ बारात में कुछ सिस्टम होना चाहिए। हाँ बता रहे जो बात जो सोचित रहे ना। हाँ। जमींदारंग बारात है, बड़े बड़े लोग बराते जाएंगे। क्यों नहीं? दिठाई रंडी ना कर ले। अरे बगैर रंडी के बारात जाएगी ठाकुर की? अरे रंडी बहुत बड़ी है, लंबरदार अच्छी आई है एकदम लौंडिया। उनको हमने नहीं देखा अभी। अरे उनका नाम है न जाने हुए। जरा उनका नाम बताओ। एक का नाम नगिनिया रंडी और एक का नाम तो बहनिया रंडी। सालों हमको गाली दे रहा सालों, लंबी का नाम बता रहा साल। अरे नाम बता रहे लंबा धार। ये कौन सा नाम है? एक का नाम नगिनिया रंडी। हाँ और एक का नाम तो बहनिया रंडी। सोले साले गाली दे रहा साल। ओखो तो रैया रंडी। साले सही बोला करो। निकल गया तो बहनिया रंडी। सोले रंडी कैंसिल। कैसे कैंसिल? तुम्हारा का है। जाओ उनके बयान दे देना और कह देना सही टाइम पे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जाए थे। हाँ जाओ। ऑल शुड हैव सिट डाउन। सही बच्चे आ गए जी? अभी बुद्धू नहीं आया। बुद्धू नहीं आया जी सर।
क्या बात है? बुद्धू हमेशा देर से आता है। गुरु जी, हाँ बोलो। बुद्धू जब भाई देखो जब भाई पढ़ाई में लेट आवा थी जी। ये हमेशा लेट आता है गुरु जी। वो गोली भी खूब खेलता है। अरे हमारे मास्टर अल्लाह करे बीमार हो जाए। हमारे मास्टर अल्लाह करे बीमार हो जाए और कभी खांसी कभी जकड़ा कभी बुखार आ जाए। और मास्टर जो पूछी है भूख दिया मास्टर जो पूछी है हमका फेल करिन पिटरोल डार के फूंक देब मास्टर जो पूछी है। गुरुजी क्या बात है? मैं आई कमिंग ना सर। मैं आई कमिंग नहीं, मैं आई कमिंग सर। कमिंग आओ आई आओ बैठो। जय राम जी के गुरुजी। नमस्कार। ये बताओ तुम हमेशा देर से आते हो, कहाँ रहते हो? सभी बच्चे आ गए, तुम नहीं आए अभी तक। देखो गुरुजी कहो ना हमारे स्कूल है, स्कूल तो है नहीं। और कौन सा काम तुम्हारे पास? अरे तो चार दस थे जानवर पाले हन। जानवर? किस चीज के जानवर? सोहरी के बच्चा। देखो मुझसे इसे कोई मतलब नहीं है, तो समय से काले जाओ और समय से वापस जाओ, ठीक है? बैठ जाओ। पहले यार लौंडिया ने कही थी बैठी, शायद दोनों सेटे हो ही जाए। मिला स्कूल के बाहर, निकल बाउंड्री के बाहर। अबे सर पे बैठने के क्या बे? कई जगह नहीं मिली तुझे? अरे यार गुरुजी, तेरे यार हैं। या बता। हाँ बोलो। ऐसी बैठे तो ही मारे, ऐसे बैठे तो ही मारे, हम कहाँ बैठ जाए? तुझे कई जगह दिखाई दे रही, कहाँ बैठ जाए? मैं सर बैठ जाके हमें, मैंने कहा सर पे बैठ जाओ, सर पे बैठ गया। गुरुजी ने कहा सर पे बैठेगी तो सर पे बैठ जाएगा। तुम लोग गुस्सा हो रहे हो, गुरुजी के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, अगर गुरुजी कहेंगे कुआं में कूद जा तो कूद जाएगा? पानी ना भरा हो तो। बैठो, इधर बैठो, बैठ जाओ आगाज, बैठो। कोई प्रोग्राम शुरू होने से पहले जनरल अटेंडेंस आफ्टर नेक्स्ट वर्क। मिस्टर दीपक, दीपक जिस हिसाब से तुम इतने गरीब बच्चे हो, अनाथ वह तो हुए अनाथा सबसे लेकर के आया और बचपन से लेके अब तक, और आगे भी तुम्हारी देख रेख हम करते रहेंगे, लेकिन मन लगा कर भी पढ़ाई करते रहो, ठीक है? बैठ जाओ। ए बुद्धू क्या हो रहा? झाड़ मार रहे हैं। अरे बाल झाड़ रहे हैं, उसे बोला कर। अरे यार भाई तो कह रहे हैं झाड़ मार रहे हैं। पागल हो गया है, बाल झाड़ रहे हैं। चले जलते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ कार्यक्रम होने दोगे या क्लास में के नहीं? मिस्टर आकाश। यस सर। ओके मिस्टर आकाश, योर क्वालिफिकेशन इज वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, सिट डाउन। मंगल, इतने दिन बाद तुम्हारा दिखाई दे रहे हो। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी कट्टा ले, कट्टा। क्या कट्टा लेके आए? नहीं झूठ बोलते हो, देखो जरा देखा है। ये क्या, ये क्या है? गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये क्लास है, फीस जमा नहीं कर पाते, असला लेके घूमते हो। कान पकड़ो, मुर्गी बनाओ गुरुजी, इनका मुर्गी बनाओ। चलो बैठो, रख कर इसको पट्टी ले ले। अब छुट्टी हो जाए तो मुझे दे देना। देखो मंगल, तुम बहुत गरीब बच्चे हो और तुम्हारी फीस कई महीने की फीस तो ये दुर्गा जमा कर रही है, है? राय बहादुर जी की बेटी है और राय बहादुर जो है बहुत ही धर्मवान और नेक व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ चार महीने की पिछली फीस जमा हुई, अभी पांच महीने की और बाकी है। अपनी फीस जमा करो और समय से स्कूल आओ और ये
असलाह लेके जो घूमते हो, आगे चल के क्रिमिनल बनोगे, क्रिमिनल। कोई नहीं पूछेगा, जेल हथकड़ियां लगेगी पुलिस की, और जेल जाओगे, भूखा मरोगे। बेटा ये सब अच्छा नहीं है, दिस वर्क इज नॉट गुड। ओके गुरु जी, गलती हो गई। ओके थैंक यू सर, सिट डाउन। सुद्धू जी। हाँ सर। ओके सब ऐसे काले जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ। बुद्धू आई लव यू सर। हाँ जी देखा, आई लव यू बोलता है, बदतमीज कहीं का, समय से काले जाया कर। आई एम सॉरी सर। और ये शीशा कंघा, ये लिपस्टिक लेके जो आते हैं ना क्लास में, किसको दिखाता है इसको लेकर के? लाउंडियर का गुरु। बदतमीज कहीं का। सिट डाउन ऑन द भुइया। अरे बैठ जा, बड़ा अंग्रेजी बोलता है। हाँ बेटी दुर्गा। यस सर। ओके दुर्गा। यस सर। तुम्हारा इस क्लास में जो भी व्यवहार है, और जो जो भी ये तुम्हारा लोगों से, बच्चों से, गरीब लोगों से लगाओ, इससे हम बहुत ही खुश हैं। और नेक्स्ट टाइम भी हम तुम्हारे लिए यही ऊपर वाले से प्रेयर करेंगे। सेट डाउन। मोहिनी। यस सर। हाँ गुरुजी एक फाट गए क्या? ये अबे नालायक, ये कल तभी अमेरिका से आ रही है, तुम्हें मालूम है? अभी नई नई लड़की यहाँ क्लास में आई है। ये वहाँ का पहनावा, अगर यहाँ का कल्चर, अमेरिका की पोजीशन है। और गुरुजी ओके, अमेरिका में हम देखे ना तो उन इंग्लिश में गाना गावत रहे। अच्छा अमेरिका गए थे क्या? इंग्लिश में गाना गुरुजी, तुम सुने हो? नहीं हमने दूसरा सुना। देखो हम पापा मोबाइल में दिखाई दे रहा है इंग्लिश में गाना, इंग्लिश में गाना अमेरिका बहुत गुरु जी। तुम्हें याद है क्या? अच्छा बैठ, अभी सुनते तुमसे। बेटा राधा। यस सर। ओके तुम्हारी सेहत कुछ गड़बड़ लगती, बीमार रहते हो क्या? यू से बैठो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे इज 15 अगस्त 1947। हमारे देश को आज़ादी मिली, जिसके उपलक्ष्य में फील्ड में ध्वजारोहण हो चुका है, और इस उपलक्ष्य में हम सब लोगों को इकट्ठे किए कि आज सब लोगों को खुशी का त्यौहार वो है, और ये जिसे हम नेशनल डे के नाम से भी जानते हैं। कई वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आज सभी नेताओं ने, और इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई कहे पर्सनल मैंने किया तो ये गलत है, जिसको हम कभी मान नहीं माने दिस इज रॉन्ग। ऐसे बच्चों हमेशा प्रेम से रहो, देश की सेवा करो, देश के सम्मान के लिए आगे चल के कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, है ये क्लास स्टूडेंट लाइफ है। और आज और इससे इसके अलावा मैंने कहा था सबको एक एक कविता याद करके लाने के लिए, कविता याद किया क्या किसम ने? हम तो याद करें लाल बनिया। अरे वाह, तो बुद्धू याद किया है, हम और याद करें गुरु जी। तो तू ही से शुरू करते हैं बुद्धू, चलो सुनाओ क्या से याद करके आए? झंडा निकारी क्या इससे? तो ऐसे कहो, अभी झंडा तो बाहर फील्ड में फहरा दिया ना। हाँ तो ऐसे सुनो, राष्ट्रीय गीत सुनाए गुरु जी, राष्ट्रीय गीत सुनाओ। देखो मेरे पहले पहले बच्चों, प्यारे प्यारे होंगे। हाँ प्यारे प्यारे, ओ मेरी पहली पहली लड़कियों, प्यारी 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 लड़कियों बोला करो। आप लोग कान खोल के सुनिएगा, सुनो। हुआ सवेरा गणिया बोली, अबे चिड़िया होगा, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली। दूसरा सुना, दूसरा दूसरा सुनो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांटी हिंदुस्तान की, झांटी तुम समझते हो गुरुजी सुन नहीं रहे? झांटी होती है क्या? झांटी बोल, झांकी झांकी, हम गए झांटी झांटी। अभी तो उतलापन गया नहीं तेरा है, इस मिट्टी से तिलक धरो, इस मिट्टी से तिलक करो। धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, आई लव यू। चलो बैठ जाओ, अब बहुत सुनाओगे तो गुरुजी का दिमाग ही बहुत जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आजकल हमारे समाज में
सबसे बड़ी बुरी प्रथा है दहेज की, जिसके उपलक्ष से मैंने इस संगीत को तैयार किया खास तौर से विशेष इस, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से गरीब परिवार हैं, बहुत धनवान हैं, तो जो गरीब परिवार के माँ बाप हैं अपनी बेटी के लिए शादी करते हैं, लड़का ढूंढते हैं और उनके मांग के मुताबिक अगर पैसा नहीं दे पाते तो उनकी बेटियों को ससुराल में जाने के बाद उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, मारते पीटते हैं, आदमी ठीक नहीं मिलता है, तकलीफ देते हैं। इसलिए बच्चों आज से सब लोग ये प्रॉमिस करेंगे ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे, फ्री ऑफ कास्ट मैरिज। सुना लड़कियों, ना आते हम लेंगे दहेज, हाँ दहेज, और ना हम देंगे, बिल्कुल ठीक समझे। अच्छा सो तो दहेज की खातिर दुनिया में, दहेज की खातिर दुनिया में बेटियां जलाई जाती हैं, दहेज की खातिर। ओके वेरी गुड। दहेज की खातिर दुनिया में बेटियां जलाई जाती है, फिर बड़े ही शानों शौकत से, फिर बड़े ही शानों शौकत से अर्थियां निकाली जाती है, फिर बड़े ही शानों। जब तलक दहेज ये जिंदा है तब तलक प्रकाश कहाँ होता, जब ये जिंदा है तब तलक प्रकाश कहाँ होगा। हा बेटी नाश हो, हा बेटी नाश हो जाती है, पर दहेज का नाश नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही अरमानों से माँ बाप बेटी को अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छी सी शिक्षा देने के बाद अच्छा सा घर ढूंढते हैं, धनवान का घर ढूंढते हैं, लेकिन अंत में यदि उसकी बेटी एक धनवान के घर में जाने के बाद और वो सुखी नहीं हुई तो मेरे प्यारे बच्चों उस माँ बाप के अरमानों पे क्या गुजरता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दहेज रूपी भेड़िए को हम सब मिलकर के इसको समाप्त करेंगे और फ्री शादी करेंगे। जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, मेन गेट पे लड्डू की व्यवस्था हो गई है, सब लोग लाइन से जाओ और लड्डू लेकर के अपने अपने घर जाओ, और कल सुबह आ जाना समय से बेटा। चलो 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 लड़का लड्डू ले चलो।